हेलो गेज वेलकम बैक टू आवर चैनल वैनल टेक हैकर दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप लोग भी अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं जैसे नाम में एड्रेस में फ़ोटो में सिग्नेचर में मोबाइल नंबर या जी मेल तो आज की वाली वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए इस वाले वीडियो में मैं अपने पैन कार्ड के मोबाइल नंबर एड्रेस और फोटो सिग्नेचर चार चीज़ों को बदलने वाला हूं तो अगर आपको भी इन सारी चीज़ों में से कुछ भी करेक्शन करना हो तो ये वाली वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए आपका भी आपको पैन कार्ड करेक्शन करने आ जाएगा तो इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इधर आपको सर्च करना होगा पैन कार्ड कुछ इस तरीके से पैन कार्ड सर्च करने के बाद अगर आपका एन कंपनी का पैन कार्ड है तो आपको इस लॉगिन मैनेजर वाले पर क्लिक करना होगा अगर आपका यू कंपनी का है तो आपको इस वाले पर क्लिक करना होगा दोनों में प्रोसेस सेम होता है अभी हमारे पास एन का पैन कार्ड है तो मैं ऊपर वाले पर क्लिक करूँगा लॉग मैनेजर वाले पे और ऑनलाइन अपलीकेशन पर क्लिक करूँगा और ये डेस्क टॉप साइड पर तो मैं इसको नॉर्मल मोबाइल वाले पर कर लेता हूँ तो अभी आप इधर देख पा रहे कि आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे सलेक्ट रहना होगा उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पर देखिए आप ये वाला नीचे वाला चेंजेस और इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा इस पर क्लिक करना है कैटेगरी में आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर अब आप आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना टाइटल देना पड़ेगा टाइटल में आप अगर लड़का है तो श्री अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कुमारी शादी होगी तो ई एस यानी कि श्रीमती लगा सकती हैं लास्ट नेम यहाँ पर आपको देना है अपना जो सर नेम होता है उसके बाद फर्स्ट नेम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जी मेल अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको अपना जी मेल आई है तो आपको अपने यहाँ पर नया वाला जी मेल देना है आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना है तो आपको यहाँ पर ही नया वाला मोबाइल नंबर देना है जैसे कि मुझे अपना दोनों चीज़ बदलना है तो मैं अपना नया वाला मोबाइल नंबर और जी मेल आई डी दूंगा उसके बाद अगर आप इंडियन है तो आपको सेलेक्ट करना होगा यस पे यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है तो चलिए ये सारी चीज़ मैं भर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल फिल कर ली है उसके बाद यहाँ पर टिक भी कर लिया है अब टिक करने के बाद जस्ट आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है सबमिट करना है जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा इस टोकन नंबर को आप स्क्रीन शॉट करके या फिर कॉपी करके रख सकते हो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यूविथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा अभी आपके यहाँ पर पूरा मेन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसमें कि आपको आपको फोटो और आपका सिग्नेचर अपना मन पसंद मिल जाएगा तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड रिक्वार है तो बिल्कुल हमें चाहिए क्योंकि हम अपना फोटो चेंज करने वाले हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ आधार नंबर का लास्ट का फोर डिजिट बोल रहा है तो हम इंटर कर लेते हैं उसके बाद इधर आप देख पा इसको आप चाहें तो टिक कर सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं चलिए यहाँ पर हम ऐसे छोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा जो भी आपके आधार कार्ड में मैं नाम देने के बाद यहाँ पर अगर आपको अपने नाम में करेक्शन करना है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे जो यहाँ पर आपको टिक दिख रहा है अगर नाम में करेक्शन नहीं करना है तो आपको टिक नहीं करना है ठीक है उसके बाद अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ में टिक यहाँ पर करेक्शन करना है तो आप डेट ऑफ बर्थ को ऐसे टिक कर देंगे जिस चीज में करेक्शन करना होता है उसके आगे टिक लगाना जरूरी है बाकी मुझे यहाँ पर जिसमें टिक नहीं लगाना है बाकी मुझे जिसमें करेक्शन नहीं करना है उसमें टिक नहीं लगाना ठीक है जैसे कि मुझे सिर्फ अपना क्या करना है यहाँ पर आप देखिए फ़ोटो चेंज करना है सिग्नेचर चेंज करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर एड्रेस ये सारी चीज मुझे बदलनी है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ये सारी चीज़ दी है अब यहाँ पर मुझे अपने फादर का लास्ट नेम देना है तो इधर मैं दे देता हूँ फटाफट से उसके बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम देना है वो भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर और देने के बाद यहाँ पर मदर नेम ऑप्शनल है आप देख पा रहे होंगे और आपके पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट होकर आना चाहिए तो मैंने यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर रखा और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर टिक एज़ एप्लीकेबल आप कौन सा एड्रेस यहाँ पर बदलना चाहते हैं तो आपको अपना नया वाला एड्रेस जो आप बदलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं तो चलिए मैं अपना पूरा नया वाला एड्रेस इस जगह पर पूरा फिल कर लेता हूँ उसके बाद फिर आपको बताता हूँ तो इधर आप देख पाए मैंने एड्रेस फिल कर लिया और यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपको कोई और दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पर टिक करिए तो हमें टिक नहीं करना है बाकी यहाँ पर देखिए पूछ रहा है टेलीफोन नंबर जी मेल तो इस पर हमको टिक लगाना है क्योंकि मुझे अपना मोबाइल नंबर और जी मेल बदलना है उसके बाद कंट्री कोड में यहाँ पर मैं आई एंड सेलेक्ट करूँगा तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पर और नाइन वन उसका कंट्री कोड होता है उसके बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक बार आप मैच करवा लेंगे जी मेल मैच करवा लेंगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार सेलेक्ट कर लेना है ठीक है मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रूफ ऑफ़ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रूफ ऑफ पैन में कॉपी ऑफ पैन सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर मैं यहाँ पर यहाँ पर करने वाला हूँ आई वाले में यहाँ पर आपको जो है हिम सेल्फ हर सेलेक्ट करना है और आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर आ, दो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं एक अपना आधार कार्ड एक अपना पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपने एरिया या विलेज का नाम देना है टाउन एरिया का तो यहाँ पर मैंने दे दिया है अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ हमको पचास के की फोटो अपलोड करनी है तो चलिए यहाँ पर हम पचास के की एक अपनी फोटो अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको जस्ट इस प्लस वाले पे क्लिक करना होगा और प्लस वाले क्लिक करके मीडिया पिकर पे क्लिक करना जहाँ पर भी आपका फोटो रखा हो उस फोटो को आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा तो इस तरीके से फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा ऐसा आप अपलोड करेंगे आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से आप देख पा रूंगी आ जाएगा इसी तरीके से सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर कर लेना चलिए मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ डायरेक्ट फिर आपको बताता हूँ तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना जो है पी फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है तो चलिए यहाँ पर पहले मैं अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड अपलोड करता हूँ चलिए मैं पहले अपना आधार कार्ड अपलोड करता हूँ उसके लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर मैंने पी अपना कन्वर्ट कर रखा है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करता हूँ जैसे आप अपलोड करेंगे उस फाइल का नाम जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख के आ जाएगा जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिख के आ रहा है ठीक है अभी यहाँ पर आपको एड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है एक नया इस तरीके से प्लस ऑप्शन आ जाएगा अब इस पर क्लिक करके आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर लेना है तो यहाँ पर आप देख हैं मैंने अपना दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर पैन कार्ड अब हमको सबमिट करना है जैसे आप सबमिट करोगे आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा अब यहाँ पर आपको अपने आगे का आधार का आठ अंक देना होगा चलिए वो मैं इंटर करता हूँ आगे का आठ अंक देने के बाद यहाँ पर ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर आपको पूरी डिटेल अब शो करेगी तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल अपना मैच करवा लेना है और मैच करवाने के बाद आपको पूरा एड्रेस जो भी आप चेंज कर रहे हो मोबाइल नंबर जो भी आप चेंज करते हो जी मेल सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं ठीक है थीके? तो सारा चीज आपको यहाँ पर देने के बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर है और यहाँ पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो सारी चीजें अब यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है जैसे आप प्रोसीड करेंगे अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एक सौ सात रुपए का यहाँ पर आपको आई एग्री करना है प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे पे पे क्लिक करना है नब्बे पेमेंट पे के लिए बोलेगा यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्यू आर कोड किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं क्यू आर कोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट क्यू आर कोड पर भीम यूपीआई सेलेक्ट करके मैं पेमेंट आप क्यू आर कोड क्लिक करता हूँ और इधर आप देख पा रहे इसको स्क्रीन शॉर्ट करके मैं यहाँ पर पेमेंट लेने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट है सौ छह रुपए नब्बे पैसे का वेबसाइट पे चलते हैं और इधर आप देख पा रहे हो कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक मिनट ले रहा है पेमेंट को कंप्लीट होने में मैंने गूगल पे से पेमेंट कर दिया अब देखिए हमारी यूनियन बैंक से पेमेंट भी कट चुका है गूगल पे के माध्यम से मैंने किया है अपने यूनियन बैंक से तो थोड़ा सा यहां पर हम वेट करते हैं जब तक ये पेमेंट कंप्लीट हो रहा है तब तक अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इधर आप देख पा रहे हो कि हमारा ट्रांजेक्शन जो वो सक्सेसफुल हो चुका है अब हमको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करना है और जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर अब आपको नीचे यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ आएगा आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर देना होगा उसके लिए आपको यहाँ पर ओ टी जनरेशन पर क्लिक करना होगा और जैसे इधर आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर जो है आधार कार्ड जो होगा उस पर एक ओ आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कि ओ के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं और ओ हम लोग का आ चुका है नौ सौ चौदह एक सौ तेईस नौ सौ चौदह एक सौ तेईस उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबमिट करते हैं जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पर एक बार और से फिर से कंटिन्यू विथ ई साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब दोबारा से आपको यहाँ पर टिक करना होगा ये वाला जो जगह आपको दिख रहा है यहाँ पर और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है इस वाले जगह पर चलिए हम दे देते हैं आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा एक नया ओटीपी फिर से आएगा आपके यहाँ पर और वो ओटीपी इधर आपको देकर यहाँ पर लास्ट फाइनल सबमिट करना है ठीक है तो थोड़ा सा वेट करते हैं ओटीपी आने देते हैं और यहाँ पर ओटीपी हम एंटर करके आपको दिखाते हैं तो ओटीपी हमारे दोबारा से आ चुका है ओटीपी है टू नाइन फोर उसके बाद थ्री डबल नाइन टू नाइन फोर थ्री डबल नाइन वेरीफाई ओ टी पर क्लिक करते हैं जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई ओ टी पी क्लिक करेंगे आपका पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आपने सक्सेसफुली अपना करेक्शन करने के लिए अप्लाई कर दिया है अब आपको कुछ नहीं करना आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर डाउनलोड पी का एक ऑप्शन आ रहा है आपको ये पी डाउनलोड करना है और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ आप बर्थ होगा जैसे कि जो डेट मंथ ईयर रहेगा वो पूरा पूरा देना है चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा देकर और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा अब इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है लगभग जहाँ जहाँ टिक है वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली जैसे कि मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज किया है यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना जी मेल और भी काफ़ी सारी चीज़ जैसे कि मेरा फोटो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें अब चेंज होकर आ जाएगी इसमें मैक्सिमम आपको, आपको सात दिन के अंदर अंदर करेक्शन हो जाता है और पंद्रह दिन के अंदर अंदर जो पैन कार्ड है आपके घर पर पोस्ट ऑफिस से डिलीवर हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करना है आपको अपना फोटो सिग्नेचर एड्रेस मोबाइल नंबर जी मेल इस तरीके से चेंज करनी है इस वाले वीडियो को हमें पैन करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक